हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल भारत ब्लॉग्स। आज हम जा रहे हैं अपने आईफोन का टेम्पर्ड ग्लास लगवाने के लिए और कवर के लिए। आप देख सकते हैं इसमें मैंने जब से खरीदा कोई मैंने टेम्पर्ड ग्लास नहीं लगाया है। बहुत ही प्यारी रॉयल ब्लू कलर की ब्यूटी है ये, और इसमें हमने अभी तो कोई ग्लास नहीं लगवाया है, ना टेम्पर्ड ग्लास लगवाया ना कवर चढ़ाया है, तो इसलिए हम जा रहे हैं इस पर कवर चढ़ाने के लिए और पीछे भी हम कवर चढ़वाएंगे जैसे हमारी फ़ोन की सेफ्टी हो सके। तो चलिए देखते हैं कि हम इसमें कौन सा वाला टेम्पर्ड ग्लास लगाते हैं और पीछे के लिए हम किस तरह का शील्ड लगवाते हैं जैसे इसमें स्क्रैचेस ना आए, और साथ में हमें इसका एक सिलिकॉन कवर भी चाहिए जैसे अगर गिर भी जाए तो उस पर ज़्यादा डैमेज ना हो। और काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछ भी रहे थे कि आप जब भी इसमें टेम्पर्ड ग्लास या फिर कुछ भी लगवाएं, कवर लगवाएं, तो हमको जरूर बताइएगा। चलिए चलते हैं, काफ़ी दिनों के बाद ये वीडियो आई। अगर आपको ये पसंद आती है तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि आप लोग सीट बेल्ट नहीं लगाते, तो इसलिए मैंने सीट बेल्ट लगा ली है। और आपको मैं बता देता हूँ, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है जिसमें हमने अनबॉक्सिंग दिखाई है और जब हम फ्लिपकार्ट से डिलीवरी ले रहे थे हमने वो भी चीज़ में दिखाई है इस वीडियो में, इस चैनल में। और यहाँ पे स्टेशन के पास में एक दुकान है, बोले थे एक हॉकर है, उसको मैं काफ़ी टाइम से जानता हूँ, मैं उसी के पास जा रहा हूँ ये सब टेम्पर्ड ग्लास और बैक का स्क्रीन गार्ड लगवाने के लिए, स्क्रीन गार्ड बोल लीजिए या फिर ग्लास कवर लगवाने के लिए और साथ में मोबाइल कवर लगाने के लिए, उसी के पास जा रहा हूँ, हॉकर है वो। और इस वीडियो के बाद मैं अपना एक्सपीरियंस शो करूँगा कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा है आईफोन 12 के साथ। आपको लेफ्ट में एक अम्ब्रेला दिख रहा होगा, ये सब अपना मोबाइल गार्ड, टेम्पर्ड ग्लास, मोबाइल कवर, ये सब बेचने वाले हैं। जितने भी आपको यहाँ पे अम्ब्रेला दिख रहा है, स्टेशन आ गया है ये देखिए, आपको लेफ्ट में जितने भी दिख रहे हैं सब ये टेम्पर्ड ग्लास और मोबाइल कवर वाले हैं। मेरा जो है वो आगे जाके है, ये देखिए ये भी है लेफ्ट में। आपको स्टेशन के पास मुंबई में यहाँ पे खूब सारे हॉकर्स मिल जाएंगे जो मोबाइल कवर और टेम्पर्ड ग्लास रखते हैं। इनके पास काफ़ी सारी वैरायटी, ऑलमोस्ट सारे मोबाइल के बैक कवर, टेम्पर्ड ग्लास सब मिल जाते हैं। ये है लेफ्ट वाला जिसके पास मैं आता हूँ। तो फाइनली ये मैंने सेलेक्ट कर लिया है अपने आईफोन 12 के लिए, बैक कवर सिलिकॉन कवर है ये, काफ़ी अच्छा लग रहा है मेरे को। ये पीछे के लिए ना, देखो कौन कौन से टेम्पर्ड ग्लास है। टेम्पर्ड ग्लास मेरे पास 100 वाला है, 200 वाला है, देखो ये 100 वाला है, ये 100 वाला है। इन दोनों में अंतर क्या है? क्वालिटी का अंतर है, इसमें ये डी प्लस है, एचडी प्लस फुल आएगा, ये सब दुकान पे मिलता है, 400-500 में लगाते हैं दुकान वाले। अच्छा, ये एचडी प्लस है, ये 5D भी आता है ऐसा कुछ सुना मैंने। इसकी भी बाप है वो, ये तो लेवल ली आपको दिया हूं 5D के बाद, ये इसका भी बाप है, मजबूती है ना इसमें बहुत ज्यादा। तो काला काला तो नहीं आएगा साइड में? काला तला ये देता है ना मोबाइल तुम्हारा। और क्या दी? तो फाइनली इनने दो टेम्पर्ड ग्लास दिखाए हैं, एक ये ऑरेंज कलर का है ये वाला, और एक है ये ब्लैक वाला। और ऑरेंज वाले का मेरे को बोला 100 रुपीज़ और ब्लैक वाले का बोला है 200 रुपीज़। आप दोनों उसमें से कौन सा बेटर है आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और आप में से बताइए इसके रेट सही है कि नहीं, मुझे मालूम नहीं। इसको साफ करके लगाओगे ना? लगा दो ये वाला, लगा दो उसके पीछे वाला, लगा दो ना। और जिस तरह से ये रब कर रहा है ना, सही बता रहा हूँ, मैंने अभी तक इस फ़ोन को इस तरह से कभी रब करा ही नहीं, क्योंकि मेरे को डर लगता था स्क्रैच ना आ जाए। और ये लोग इतने कॉन्फिडेंस है रब करने में कि कोई स्क्रैच आएगा ही नहीं, इन लोगों ने ऐसा बोला और सही में स्क्रैच आया भी नहीं। और साफ कपड़ा नहीं है, साफ कपड़ा तो साफ नहीं होता है, गंदा कपड़ा से साफ होता है। स्क्रैच तो नहीं पड़ेगा ज़्यादा? रंजीत भैया जाते हैं, रंजीत बाजला भाई, तू जा ले लियो जाते तो उन्होंने तान तो लगा पागल हो कहीं।
नले पैसा नहीं बेले ना तुम तो चाहिए तो बेरी भाई तुम्हें तो पैसा चाहिए हो चलो तमारो हो चलो लो आप तब तो ना तो नहीं लैसा हो तमाम तुम डरे दिन दिया दिन दिया नहीं हमूँ दे तुम तो हम लोग तोरे बात बात तो लीजिए हमारा टेम्पर्ड ग्लास और पीछे का बैक स्क्रीन लग चुका है। ये जो हल्की सी पतली सी स्क्रीन लगाई 50 रुपीज़ में ये लग चुका है और कोई भी इसके अंदर स्क्रैच नहीं आया है। मेरे को बहुत डर लग रहा था इनके हाथ में देने में, बट मस्त तरीके से इनने स्क्रीन लगा दी है और टेम्पर्ड ग्लास भी हमारा लग चुका है। तो फर्स्ट क्लास हमारा फ़ोन रेडी हो चुका है रफ टू रफ डेली यूज़ के लिए। और साथ ही में हमने ये ले लिया है सिलिकॉन कवर अपने मोबाइल के लिए बैक कवर, और काफ़ी अच्छा लगा है मेरे को ये ट्रांसपेरेंट कलर का, क्योंकि मैंने एक फ्रेंड से पूछा तो उसने मेरे को बोला था कि सिलिकॉन कवर ही यूज़ करना अच्छा रहेगा, क्योंकि कई सारे कवर्स में क्या होता है कि पीछे आईफोन में हल्के हल्के स्पॉट्स आ जाते हैं स्क्रैच जैसे, जो अच्छे नहीं लगते देखने में। तो इसलिए मैंने सिलिकॉन कवर ही सिलेक्ट किया है और 3:17 हो चुके हैं और बैक में इस तरह से लगता है। तो चलिए हम आगे बात करते हैं फर्स्ट क्लास। तो हमारा जो टेम्पर्ड ग्लास है वो लग चुका है और साथ में हमने कवर भी ले लिया। आपको मैं दिखा देता हूँ कवर किस तरह का है। इस तरह से साइड में इसके है और इधर अपना वॉल्यूम वाला और इधर साइलेंट वाला और इधर चार्जिंग के लिए दिया हुआ है और इस तरह का है पीछे से, इस तरह से दिखता है ये देखिए दोनों कैमरों के लिए। ये मेरे को अच्छा लगा तो इसलिए मैंने ये ले लिया और साथ में मैंने इसमें जो टेम्पर्ड ग्लास डलवा दिया है आप देख सकते हैं फर्स्ट क्लास लग रहा है, एज टू एज है। और पीछे मैंने ये शीट डलवा दी है जैसे कोई स्क्रैच ना आए इसमें, और इसके कांच को बचाने के लिए मैंने कवर ले लिया है इसमें कोई डैमेज ना हो। और ये पूरी शीट 50 रुपये की पड़ी मेरे को और टेम्पर्ड ग्लास मेरे को 200 रुपये का पड़ा। तो हमारा ये जो काम था सबसे ज़्यादा मेन काम था, इसके चक्कर में अपने फ़ोन को मैं बाहर नहीं निकाल रहा था, वो हो गया है। और ऐसा सीन था कि मैं इसको रिव्यू में बताऊँगा आगे वाली आने वाली वीडियोज़ में कि मेरा 10 दिन इसके साथ कैसा निकला। जैसे लाइक एक बेबी को संभाल के रखते हैं ना, वैसे ही इसको मैंने संभाल के रखा। अब इसको इसके अंदर केस के अंदर बिठा देते हैं, बोला तो कवर के अंदर। आपको कैसा लगा कवर और ये पूरा वीडियो कैसा लगा? आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसके अंदर रैंडम वीडियोस डालता रहता हूँ। इस चैनल का नाम है भारत ब्लॉग्स और मेरा मेन चैनल है उसका नाम है भारत खाना रिटर्न्स। आप दोनों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस भारत ब्लॉग्स।